अभी हम नई बस्ती लास्ट मोड पे आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नहर यहाँ से गुजरती है वो नहर जो है गंदगी के ढेर में तब्दील होती हुई, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये डंपिंग यार्ड के तौर पे यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जेएमसी के दावों की जो है यहाँ पे पोल खुलती हुई नज़र आती हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये पूरा नहर जो है ये पूरा कचरे से भरी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो पूरा कचरे से भरी हुई ये नहर यहाँ पे आपको दिख रही है। और सिर्फ गंद या जो यहाँ पे गंदगी है यही नहीं है सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे इतनी स्मेल है यहाँ पे खड़ा होना भी जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो इस नहर को जो है गंदगी से जो है यहाँ पे भरा गया है। बस्ती में तो काफी गंदगी वगैरह है, अब नहर स्टार्ट भी होने वाली है तो कोई सफाई वगैरह नहीं हो रही है। ये गंदगी नहीं, गंदगी का अंबार है, आप खुद देख रहे हैं। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, इस इलाके का पार्षद हूँ यहाँ। थोड़ा सा जो हमारा विभाग है सिंचाई विभाग, पिछले साल भी यहाँ पे कसर रह गई थी, सफाई ढंग से नहीं हो पाई थी, दोबारा इसको सफाई कराया गया, लेकिन कहें बात चाहे ठेकेदारी प्रथा की, उस हिसाब से सफाई नहीं हो पाई। लेकिन इस बार हमने जनवरी महीने से ही ये अभियान शुरू किया हुआ है, यहाँ के एक्शन की नॉलेज में है, और सफाई मुझे लगता है इस बार बेहतर होगी और ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इस तरह की गंदगी, और मैं थोड़ा सा हमारे यहाँ के जो साथी रहते हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि कम से कम हम जो कूड़ा है वो नहर में ना फेंकें। जब डोर टू डोर कलेक्शन घरों घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सुविधा दे रही है, तो हमें ये अपना शहर खुद गंदा बनाने में हमारा योगदान नहीं होना चाहिए। हमारा योगदान स्वच्छ शहर जैसे इंदौर है, अहमदाबाद है, बॉम्बे है, इस तरह की सफाई व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग आके यहाँ पे राहत महसूस करें, खुली हवा में सांस ले सकें। और ये तो वैसे ही जम्मू कश्मीर जो यहाँ माता वैष्णो देवी है, यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए लोग आते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा संदेश लेके जाएं कि जम्मू शहर भी नेचर के हिसाब से तो है ही है लेकिन स्वच्छ सुंदर और खूबसूरत है। सर आपके वार्ड की अगर हम बात करें तो कितना फ़र्क पड़ा है स्वच्छ अभियान तहत के दौरान जो बाद में, अब कितना फ़र्क पड़ा है साफ़ सफाई की अगर हम बात करें? देखिए स्वच्छ अभियान का जहाँ नहर को अगर देखा जाए तो ज़ीरो है, बाकी थोड़ा जो सड़क गली नाली में थोड़ा सा कोशिश की है, सुधार हुआ है थोड़ा, लेकिन पूर्ण सुधार जो हमारी पब्लिक जाती है वैसा नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ सिवरेज सिस्टम चाहिए, यहाँ ह्यूमन वेस्ट डायरेक्ट नाली में है, पुराने शहर बसे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ लोगों को सुविधाएं हमने देने के लिए हमें यहाँ सफाई कर्मचारी ज़्यादा तैनात करना पड़ेंगे, डोर टू डोर कलेक्शन होनी चाहिए जिससे सफाई का रख रखाव बेहतर तरीके से हो सके। सर बहुत सारे पार्षद हैं जिनको डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो काम लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो क्या इस तरह की परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट काम करता है, एक तरीका होता है उसका, सिस्टम होता है, किसी को गाली गलौज करके वो काम नहीं करेगा, एक तरीका सिस्टम है, काम करते हैं डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन एक तरीका होता है काम का, क्वालिटी काम करना और क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी वाला काम दे पाएँ, जैसे हमने सड़क अच्छी दी है, हम गली भी अच्छी दें, नाली भी अच्छी दें, और ख़ासकर ये नहर, कुछ समय पहले बहुत साल पहले लोग यहाँ पानी पीते थे इस नहर का, आज ये गंदगी से ऐसे ढेर लगा है यहाँ पर, तो खुद भी हमें एज ए पार्षद में तकलीफ़ होती है कि हमारी ये यहाँ नई बस्ती से गुजरने वाली नहर इतनी गंदगी है। हम सब मिलके ये हर वार्ड वासी, हर हमारा दुकानदार भाई मिलके इसको साफ करने में मदद करेंगे, और मुझे लगता है कि इस साल जो अप्रैल महीने में बैसाखी पे ये नहर छोड़ते हैं, तो आज आप जो हाल देख के जा रहे हैं, आप बैसाखी से 4-5 दिन पहले ज़रूर आइएगा, मुझे लगता है कि इसमें फ़र्क ज़रूर होगा। हम सर पे खड़े होकर अगर हम सड़कें
खड़े होकर बनवा सकते हैं, लाइटिंग खड़े होकर करवा सकते हैं, तो ये भी हमारा काम है। हम सब मिलजुल के इसको बढ़िया साफ कराएंगे इस बार, पूरा प्रयास है। साफ सफाई जो है वो ढंग से नहीं की जाती है, बिल्कुल बिल्कुल आश्वासन नहीं देना, आश्वासन होता है झूठ बोलना, काम करना। इस बार नहर की जब भी सफाई शुरू होगी, मुझे लगता है कि मार्च महीने में शुरू हो जाएगी, हम बारीकी से कराएंगे। खासकर ये नई बस्ती मछली मार्केट से लेकर शमशान घाट पुली, ये यहाँ ब्लॉकेज है, थोड़ी इंक्रोचमेंट जरूर है, लेकिन फिर भी हमने लोगों को सुविधाएं देनी है। साफ पानी आना चाहिए नहर में, गंदगी नहीं। पंडित जी हाँ, एक चीज़ जहाँ आप आज खड़े हैं, ये बाथिंग घाट है, आपको एक डेढ़ महीने में ये भी तैयार मिलेगा। और ख़ासकर ये नहर के इसकी हम स्टील रेलिंग करवा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज़्यादा वक्त नहीं, तो महीने डेढ़ दो महीने के अंदर आपको नहर भी बढ़िया साफ मिलेगी, और यहाँ पे कुछ अच्छा लगेगा कि आदमी आके यहाँ खुली हवा में सांस ले पाएगा।